कहीं भी जा रहे हैं तो अपने गुरु को श्रेष्ठ माने, उनकी उनको जज करने की जगह अपने आप को जज करें। वो मेरे ये मानना है कि हमें ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ मिले, अगर नहीं मिल रहा है, नीट नहीं मिल रहा है, तो क्या नीट ही पूरी ज़िंदगी है? ऐसा कुछ नहीं है। नीट ही अच्छा, रिवीजन के बारे में बताइए कि रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से जो है कोटा में डिस्ट्रेक्शन से बचा सकता है, क्योंकि डिस्ट्रेक्शन कोटा में एक तरह से बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमें कोई PhD तो नहीं करनी है, नीट में तो बिल्कुल PhD से कोई लेना देना नहीं है। मंजिल को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु राठौर एंड यू आर वॉचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल। बात करें आज के वीडियो में तो हमारे साथ है नव्या मिश्रा, जो कि नीट UG 2023 के एग्ज़ाम को क्लियर करके ऑल इंडिया रैंक 92 लेकर आई है, और बात करें कैटेगरी वाइज तो 71 इनकी रैंक रही है। कई तरह के प्रश्नों के आंसर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि यदि आप लोग JEE की या नीट की, स्पेशली नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको कई तरह की चीज़ें समझने की मतलब एक तरह से हेल्प होगी। नव्या, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की और आपके साथ फादर भी, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सर। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन जानना चाहूँगा, जैसे कि नीट आपने क्लियर किया है, 92 आपके रैंक है, कहाँ से पता लगा कि नीट वगैरह करना चाहिए और नीट वगैरह करके डॉक्टर वॉक्टर बन सकते हैं? सर, मुझे बचपन से डॉक्टर तो बनना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए करना क्या पड़ता है। नीट के बारे में तो मुझे 10th में पता चला था, लेकिन मैंने 11th 12th में कोई कोचिंग नहीं की थी। मैंने ये डिसाइड किया था 12th तक मैं खुद मेहनत करूँगी और उसके बाद पेपर दूँगी, तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दूँगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 557 मार्क्स आए थे, तो उस समय मुझे थोड़ा डिप्रेशन हुआ कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन मैं कहीं तो थी। बच्चे 8th क्लास से ज्वाइन कर रखते कोचिंग, उनको डायरेक्शन मिला रहता है, पर मेरा डायरेक्शन था नहीं। मैं थोड़ी सी डायरेक्शन वाइज नहीं चल पाई थी, इसके कारण मेरा फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, मुझे MBBS कॉलेज नहीं मिला। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। तो फिर मुझे पता चला कि मोशन में JSTAR बैच होता है, और इस JSTAR बैच में आप 100% सिलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे 550 प्लस वाले को अगर पे स्पेशली ध्यान दिया जाता कि वो 550 प्लस से 590 पे ही ना रह जाए और आगे उसको इम्प्रूव करे। तो इसी के कारण मेरा 557 से 705 मार्क्स आ पाया और बायो में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए। अच्छा, यानी कि आपको टमी मोशन आपने ज्वाइन किया और आपको इतना अच्छा मौका मिला है ना रिजल्ट के साथ में, तो किस प्रकार का शेड्यूल रहता था आपका 24x7 का, ये बताइए। हाँ सर, तो जब मैं यहाँ पर कोचिंग कर रही थी, मैं जब स्टार्ट में आई थी, तो मैं 12 बजे सोती थी और 6:30 के अराउंड, मतलब यहाँ पर तो 5:30 के अराउंड उठती थी, और यहाँ पर 6-6 बजे से क्लासेस होती थी। तो फिर मैं वहाँ आ जाती थी, क्लास करती थी, क्लास हमारी चलती थी 1:30 तक क्लास चलती थी, फिर वो क्लास करके मैं सीधे घर आती थी, और घर पर आकर के मैं सबसे पहले लंच करती थी, मतलब मैं हॉस्टल में रहती थी तो हॉस्टल में लंच करती थी। लंच करने के बाद मैं पानी पी के सीधे एक कप ऑफ टी, मैं वही बगल में था, वहाँ से हमेशा लेकर के आ जाती थी और पी लेती थी, ताकि मुझे नींद ना आए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि नींद से कैसे बचे, क्योंकि थक जाते थे, सब बच्चे नॉर्मल होते वो थकते हैं, तो उसे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि मेरा तो पहले तो मैं ड्रॉपर ही थी और बाद में मुझे स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ रहा था, तो फिर मैं अपनी नींद को थोड़ा अवॉइड उस समय कर रही थी एक साल, ताकि मैं मेहनत कर लूँ। तो फिर मुझे टीचर्स ने भी बताया कि ऐसे इस तरीके से शेड्यूल बनाओ, फिर वर्क करो। फिर मैं पढ़ती रहती थी, 6 बजे तक पढ़ती थी, फिर 6 बजे फिर कॉफ़ी चाय पीती थी, फिर उसके बाद मैं पढ़ती थी। जैसा कहते हैं कि टॉपर्स होते हैं उनको सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब होता है, फालतू काम यानी कि जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ से वो दूर रहना चाहते हैं। आप भी पढ़ाई ही किया करते थे, या फिर जो सोशल मीडिया है या फिर गेमिंग का भी यूज़ करते थे, आप एक लिमिट में था या फिर अनलिमिटेड था, या कैसा रहा? गेमिंग तो मैं कभी करती ही नहीं हूँ, क्योंकि गेमिंग का मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और मोबाइल की बात रही तो मैं यहाँ पर वो छोटा वाला फ़ोन लेके आई थी, मैं इंटरनेट से थोड़ा सा दूर थी, लेकिन अगर जैसे कभी कभी कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना हो तो मैं किसी का फ़ोन लेके सुन लेती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंटरनेट मीडिया को अगर आप एक साल का ले रहे तो ना लें, क्योंकि अभी बहुत वास्ट है वो। अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको उससे अच्छा इतना अट्रैक्टिव वीडियोज़ होते हैं कि हाथ अपने आप ही क्लिक हो जाता है, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा हम एक बच्चे का मन क्या करेगा, सब तो बच्चे ही हैं, तो सबका मन करेगा कि हम भी वो कर लेते, एक दो मिनट वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कब एक घंटा हो जाता है पता नहीं चलता है। तो ये टीचर्स बताते थे कि हम तो इसके लिए हमारे टीचर्स के पास भी एक रेमेडी रहती थी कि वो हमें क्लास में ही एंटरटेन कर देते थे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है जाके कहीं पर और एंटरटेनमेंट लेने की। एक साल तो हम लोग, हर बच्चे का काम है कि एक साल तो पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करके देख लो, ताकि एक तो रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि हमने पूरी ज़िंदगी नहीं किया, वरना पूरी ज़िंदगी रिग्रेट लेके चलना पड़ता है, भाई हमने नहीं किया था, आज हम कर लेते तो शायद हम भी होते यहाँ पर। और ड्रॉपर्स का तो और टेंशन की बात रहती है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि 12th से ही टॉपर बनेंगे, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते, आप टॉप 100 हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, होते भी हैं बच्चे। तो आप टॉप 100 बच्चे तभी हो पाएंगे जब आप अपने आप को फ्रेश फील करें। और मोशन में ये बताया जाता है बार बार
कि अगर आपकी आप जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं उनकी जो कप ऑफ टी वो पूरी फुल रहती है, तो वो क्या करते हैं उसमें जब कोई भी नई चीज़ वो टीचर्स बताने की कोशिश करते हैं तो वो बह के निकल जाता है और दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। वही ड्रॉपर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम पहले कहीं और से कुछ भी पढ़ लेते हैं तो उसी को सत्य मान के चलते हैं और हम लोग वही किसी की बात नहीं सुनते, वो गलत बात है। कभी कभी कुछ चीज़ें नई सीखने में ही भलाई होती है, तो अपने नए माइंड की तरह लें और फ्रेश फ्रेश सोचें और एक बार फिर से शुरू करके देखना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको टॉपर बनना है या अच्छी रैंक प्राप्त करनी है तो सोशल मीडिया से जितना हो दूरी बनाकर चलना चाहिए। हाँ, मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया में हमारी ज़िंदगी में एक सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी पार्ट भी है, ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया, लेकिन क्या देखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे आपका यूट्यूब चैनल देखेंगे तो मैं बता रही हूँ तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हम चले गए कार्टून देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, तो ऐसे चैनल से तो अवॉइड कर सकते ना, हम जैसा देखेंगे वो वैसा ही रिकमेंड करता है यूट्यूब पर। तो ये मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ है, नीट का पेपर बड़ी चीज़ है, 22 लाख बच्चे हैं आज का, इस बार का कॉम्पिटिशन तो सबने देखा ही है कितना ज़्यादा हाई है। Okay. तो भरोसा करना चाहिए टीचर्स पे, तो मैंने तो बहुत भरोसा किया, मैंने अपने टीचर्स पे ही भरोसा किया और मुझे मोशन पे भरोसा भी था, और फीस भी यहाँ की बहुत कम है, जो जेस्टा बैच है मेरे बैच की तो बहुत कम थी, मेरा 20-20 हज़ार रुपये में पूरा हो गया था और पूरा कॉन्सेंट्रेशन टॉप फैकल्टी के साथ मुझे मिलता था। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दूसरा टीचर्स पता टीचर हो कि मुझे अच्छा टीचर ना पढ़ा, मुझे सबसे बेस्ट टीचर ही पढ़ाए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, बायो पढ़ के फिजिक्स पढ़ के सब नया लग रहा था मुझे ज़्यादा, तो मुझे अच्छा लग रहा था। टीचर्स इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, रिवीजन के बारे में बताइए कि रिवीजन करना चाहिए किस तरीके से करना चाहिए। हाँ। कि आप टॉपर बने तो आपकी गाइडेंस जो है ना न्यू जो एस्पिरेंट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो हमारे जो पहले नोट्स रहते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले वाले जो नोट्स हैं उसी से पढ़ते हैं, इस बार नए नोट नहीं बनाएंगे, अगले साल का हुआ था तो हमने नए 11th 12th में नोट बनाया था, तो अब इस बार हम 13th बैच में हम वही नोट से पढ़ लेते हैं, ये गलत बात है, हम भूल जाएंगे, एक ह्यूमन टेंडेंसी, हम हर चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन जो हमें पसंद होती है उसे नहीं भूलते। तो याद करें कि आपका सबसे पसंदीदा काम जो होना चाहिए इस समय के लिए पढ़ाई ही होना चाहिए, और कोई चीज़ पसंदीदा रहेगी तो हमारे दिमाग में वो आएगी। तो पढ़ाई को पसंदीदा बनाने का यही तरीका है कि नोट्स बनाएं, लिखना बहुत ज़रूरी होता है, दिमाग में सोचें लेकिन उससे पहले लिखें भी, जब आप लिखते तो आपको चीज़ आती है मैंने ये चीज़ लिखी थी कि मेरे इस पेज पर था, अगर आप उसे बार बार रिवाइज़ करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा। मैंने किया है ये सब चीज़ें, मैंने सबको सारे नोट्स फिर से बनाए थे और एकदम नई फ्रेश जर्नी शुरू की थी, पूरा कर गया पेपर देके मुझे लगा कि मुझे तो सब आ रहा है, और फिर सिली मिस्टेक्स तो होती हैं बच्चों से, अब वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, क्या किस्मत है बच्चे जानते हैं, वो जैसा हम कर्म करेंगे भगवान हमारा साथ तो देंगे ही देंगे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो देते ही हैं, सब हेल्प करता है और सबकी बात सुननी चाहिए। ओके, अब आप कोटा में अगर आपने प्रिपरेशन करी मोशन से, ठीक है, तो कोटा के एनवायरनमेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहता है और किस तरीके से जो है कोटा में डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कोटा में एक तरह से बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, कोटा में डिस्ट्रैक्शन तो होता है क्योंकि आधे ज़्यादा बच्चे कोटा में ही पढ़ने आते हैं, जब नहीं होता तो कोटा में कि हम कोटा में पढ़ेंगे, मैं भी कोटा ही पढ़ने आई थी, तो मैं जब आई थी ट्रेन में तो ये मुझे दिख गए बच्चे बहुत सारे हैं, तो फिर मुझे तो पहली बार पता चला कि मुझे तो जब मैं 12th में थी तो मुझे तो इतना कुछ नहीं पता था कि इतना कॉम्पिटिशन होता है, मैं आके देख रही हूँ इतना कॉम्पिटिशन होता है, बच्चे तो इतना पूरा पढ़ रहे हैं पूरा दिन, फिर मैं कही अब तो करना पड़ेगा भाई, कुछ नया करना पड़ेगा, तो वो भी देखना ज़रूरी है, और अगर नहीं देखना है तो आप ऐसे भी पता कर लें, और ये ना सोचे घर में कि हम शेर हैं, घर में 650 आ गए तो हम तो अब शेर हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। घर पे बैठ के पेपर देना अलग होता है और सेंटर पे बैठ के पेपर देना, उससे बहुत अंतर होता है। मैं घर पे बैठ के पेपर जो भी करती इसमें मेरे मैं पहले बताऊं, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया घर में, मैं करती थी रिलैक्स होकर पेपर एक 4-4 घंटे में मज़े से करती थी कि वहाँ पर और जल्दी कर लूँगी, जो कि मेरी गलत हैबिट हो गई थी। फिर वो सब कुछ जो अपनी हैबिट है उसे लिस्ट डाउन करो, अभी जो इस साल की गलती है उसको एक नोट बनाए बच्चे और उसको याद रखें कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली इस साल, या करने वाला जो भी है, तो वो अपना मतलब लिखी हुई ये गलती तो मैं इस साल नहीं करूँगी, मैंने अगले साल ये वाला वीडियोज़ देखने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं इस साल ये नहीं करूँगी, अपना देखें और एक मोटिवेशन लेके मन में चले और फिर अपने टीचर्स पे भरोसा करें एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चे। दूसरे बच्चे जो रहते हैं यहाँ पर कोचिंग करने आते हैं वो बहुत अलग अलग राय देते हैं, सबकी 10 तरह के लोग उनकी 10 राय रहेंगी, आप सबकी कैसे सुनेंगे, ऐसे तो नहीं सुन सकते ना सबकी, तो हम ये मेरा तो ये मानना है कि जो 10 लोग हों वो सेम राय दें उनकी सुनना एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 10 नए लोगों की सुनना जो अलग अलग राय दे, वो बच्चे होते हैं बच्चे, क्योंकि पूरी इतने सारे बच्चे सब अलग अलग का सबकी जर्नी है, किसी की मैथ्स वीक फिजिक्स वीक रहती है तो किसी की केमिस्ट्री वीक होती है, तो वो बताते हम केमिस्ट्री पढ़ो, कोई बोलगा फिजिक्स, पता चला आपकी केमिस्ट्री ही अच्छी है आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और ज़्यादा ज़्यादा केमिस्ट्री पर ध्यान दे रहे हो, केमिस्ट्री अच्छी उसको और अच्छी बना दिया और जो फिजिक्स और बायो उसको एकदम बिगाड़ कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे खुद जनरली केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो मेरा पहले था कि मैं केमिस्ट्री बहुत पढ़ लेती थी, पहले मैं पूरे रिएक्शंस कहाँ कहाँ के रिएक्शन 12th में बैठ के पढ़ रही थी, कुछ भी सिलेबस से बाहर मतलब ही नहीं है पढ़ रही हूँ, ये सब बहुत ख़राब आदत है, इनको छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई PhD तो नहीं करनी है, नीट में तो बिल्कुल PhD से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक
सिलेबस होना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो मैंने वही किया और मुझे टीचर्स ने ये बताया और मार्गदर्शन तो मुझे बहुत अच्छा मिला है और जे स्टार बैच बहुत अच्छा था। 100% सिलेक्शन हुआ है जे स्टार बैच से। सारे बच्चे मेरे बैच के जितने बच्चे थे सबका सिलेक्शन हुआ। और 100% सिलेक्शन होना नीट यूजी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस्ट कॉलेज सारे MBBS कॉलेज अच्छे ही होते हैं। तो है ही हाँ, कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के टॉपर बनने। हाँ, तो कोचिंग का स्टडी मटेरियल तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे चैप्टर वाइज चलना था। तो मैं ऐसे चैप्टर वाइज हर जगह से बुकें तो नहीं खरीद सकती, यहाँ पर मुझे इतने सस्ते में इतना सब कुछ मिल गया कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैंने बुक लिया तो मुझे एक चैप्टर कम्प्लीट होता था, मैं पूरी मॉड्यूल उसे कम्प्लीट कर लेती थी। फिर मैंने मॉड्यूल कम्प्लीट करने के बाद क्या कि टीचर्स अगले दिन कहते थे ये चैप्टर कम्प्लीट करके लाओ, हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो टीचर इसका डिस्कशन करते थे और जो सवाल मुझे नहीं आता था मैं इंटरनेट पर उसे नहीं सर्च करती थी, मतलब टीचर्स आते थे कहते अपना नंबर बताओ सवाल का, मैं सॉल्व करके बताते हैं। तो ऐसे वो बताते थे वैसे, और सारे बच्चे भी पूछते तो बहुत रिवीजन हो जाता था क्लास में, वो होता था तो मॉड्यूल। लेकिन मैंने मॉड्यूल्स पेपर के 4-5 महीने तक तो मेरा सारा मॉड्यूल कंप्लीट था। ऐसा नहीं है कि मैं मॉड्यूल छोड़ दूँ। जब मैं मेरी तबीयत खराब हुई थी मैं घर पर गई थी तो भी मैंने पूरा मॉड्यूल कंप्लीट किया था कि मॉड्यूल्स तो कंप्लीट करना है। मैं पापा भी बोलते मॉड्यूल जो मिली है उसको पूरा खत्म कर डालो, और मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करती थी। मतलब मेरी आदत है कि मैं चीज़ें धीरे धीरे नहीं करती, और धीरे धीरे करने की कोई बात ही नहीं है, तेज़ रफ्तार समय आ गया है, सबको रफ्तार में ही चलना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करती हूँ, मेरी थोड़ी सी खराब भी आदत हो जाती है, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में चीज़ें गलत हो जाती हैं मुझसे, तो वो मेरी हमेशा से खराब आदत है। लेकिन अब कोई अपने अपनी लाइफस्टाइल को पूरा नहीं बदल सकता, ये भी बात है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कर डाली और बुक कंप्लीट किया। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पर गिरी, प्रीवियस ईयर मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ होती है, वो कोई बच्चा भी खरीद ले सकता है, वो कोई सबके लिए होती है। वो पहले सिलेबस वाइज चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था टेस्ट सीरीज़। तो आई थिंक सो सबकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ रखनी चाहिए और करना, पेपर देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए तो यही मानना है कि मेरे ज़िंदगी में पेपर देना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और पेपर कैसे देना है वो भी आना चाहिए। तो एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं ऐसे एनालिसिस करती थी। पहले मेरा जो गलत होता था उसको मैं पूरा पढ़ लेती थी कैसे कि मेरी क्या गलती हुई है, और ये गलती दूसरी बार ना हो। मेरे पापा बोलते थे कि तुम ये गलती क्यों, अब देखना इस पेपर में भी तुमने यही गलती कर दी, अब इसे नोट डाउन करो। तो फिर मैं बोलती थी अभी कल कर लूँगी, पापा कहते नहीं अभी करो तुम फिर वही गलती कर रही हो। तो फिर मैं अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उसको नोट डाउन करती थी। फिर मतलब गलतियाँ हो गई, फिर मैं उसके बाद पूरे मैं 1 to 200 एक बार फिर पूरा लगा लेती थी। और जो सेक्शन बी में रहता ना, कभी बच्चे 10 करके 5 क्वेश्चन छोड़ देते, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मेन पेपर्स थोड़ी ना हो रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज के पेपर वो मेन पेपर नहीं है, मेन पेपर में क्या बताऊँ, सेक्शन बी का ही क्वेश्चन आ जाए। तो फिर मैं वो पूरा करती थी, उसको पढ़ती थी। पहले मुझे 1 घंटा लगता था पूरा एनालिसिस करने पर, लेकिन आप ये देखेंगे कि पहले आपको 1 घंटा ही लगेगा, बाद में आप धीरे धीरे करेंगे ना, जल्दी जल्दी रोज़ देने लगेंगे तो वो चीज़ घटती चली जाएगी। और एंड में मुझे 15 मिनट्स लगते थे, और मुझे लगता है एनालिसिस में इतना समय देना कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे टीचर्स भी कहते थे कि पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना होता है, तो वो मैं देखती थी। तो आप बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कोटा को कहा जाता है शिक्षा की काशी, लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है, ये है। हाँ रीज़न बता सकती, क्योंकि यहाँ पर सारे टॉप फैकल्टी के टीचर्स हैं। और कोटा लोग कहते हैं कोटा तो फैक्ट्री है, बच्चे निकालते हैं, तो वो तो है ही फैक्ट्री। लेकिन सब चीज़ के बच्चे क्या कहते हैं ना, 2 चीज़ें होती हैं, एक होते प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। तो आप सारे बच्चे क्या कहते हैं ना, आप नेगेटिव से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि लोग नेगेटिव बोलते, क्यों नेगेटिव बोले, हम जैसा बोलते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही बोलने की कोशिश करती हूँ। बस मेरा ये मानना है कि हमें ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ मिले, अगर नहीं मिल रहा है, नीट नहीं मिल रहा है, तो क्या नीट ही पूरी ज़िंदगी है? ऐसा कुछ नहीं है, नीट ही पूरी ज़िंदगी नहीं, इसके आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। बहुत बच्चे होते हैं IIT करने के बाद भी IIT में एडमिशन लेते, सोचते हैं IAS बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, तो वो भी तो बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ ही खत्म कर लें, सुसाइड तो बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो अब आगे बढ़ना चाहिए, मेरा तो यही मानना है कि पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, अपने पेरेंट्स से बातें करनी चाहिए, और अपने टीचर्स को, जो गुरु होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं, उनको अपने दिल की सारी बातें साफ साफ और सही से बतानी चाहिए, वरना बोझ रहता है एक दिल में कि हम झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक आध दो बार मैंने नंबर छुपा लिया था, तो फिर मुझे उस चीज़ का बोझ था, मैं तो तुरंत ही नंबर बता दिया, इस बार मेरा बहुत कम नंबर है। वो लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि इतनी सारी बात हो चुकी है, एज अ सीनियर, क्योंकि आप सीनियर बन चुके हैं, अब जो बच्चे कोटा में आते हैं वो आपकी गाइडेंस फॉलो करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, लास्ट मैसेज क्या रहेगा कि कोटा में आके क्या किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ों से बचना चाहिए? हाँ, तो मेरा ये मानना है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ भी जा रहे हैं, अगर आप मोशन कर रहे हैं, आप किसी दूसरी कोचिंग में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो अपने गुरु को श्रेष्ठ माने, उनको जज करने की जगह अपने आप को जज करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मैं कभी टीचर्स को जज नहीं करती, मेरे लिए सारे टीचर्स एक ही जैसे, सब अच्छे हैं।
क्योंकि उनकी जितनी एक्सपीरियंस है उतनी तो हम लोग की उम्र नहीं होती है, तो वो तो होगा कि उनके पास कुछ तो ऐसा नॉलेज है जो वो यहाँ पर खड़े हैं, वरना टीचर्स में तो आजकल और कॉम्पिटिशन है जितना बच्चों में कॉम्पिटिशन नहीं है, तो उनको भी देखना ज़रूरी है। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगी, बच्चे अपने टीचर्स को फॉलो करें, अपने पेरेंट्स से बातें करें, और जो लोग थोड़ा नेगेटिव बोलते हैं ना उनको साइड कर देना चाहिए कि भाई तुम नेगेटिव बोल रहे हो, हम नेगेटिव नहीं होना चाहते, ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, एक ही ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, मेरा यही मानना है। थैंक यू सो मच। हाँ, और मोशन है तो मोशन पे भरोसा होना चाहिए, मुझे मोशन पे भरोसा था। थैंक यू सो मच, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। हमारे साथ स्टूडेंट के फादर भी, अंकल इतनी बहादुर बेटी है आपकी, इतना अच्छा बोलती है, कई सारे बच्चे फॉलो करने वाले हैं उनकी बातों को, कैसा लगा जब पता लगा कि टॉप 100 में आपके बेटे ने स्थान बनाया, और क्या कुछ कहना चाहते हो स्टूडेंट्स के लिए, गार्जियन जो नए कोटा में आना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा रिजल्ट्स का जब हम लोग देखे, हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे बनारस में, नेटवर्क नहीं था, तो मोशन से ही हम लोग रिजल्ट मैंने भेजा गया, देखे बहुत खुशी हुई। हम लोग डर रहे थे कहीं रैंक पीछे न भाग जाए, क्योंकि लिस्ट पहले आ चुकी थी 110-120 की, सब 150 की, तो थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ज़्यादा पीछे ना हो जाए, मार्क्स पते थे 705 इसके हैं, थोड़ा डर लगा, लेकिन जब यहाँ से मार्क्स रैंक पहुँची मोशन से, व्हाट्सएप में भेज दिए गए, तब हम लोग बड़े खुश हो गए, सब लोग घर में पूरे परिवार, इसकी मम्मी, इसकी सिस्टर, सब लोग खुश हो गए, बहुत खुश हुई, खुशी मिली। और जहाँ तक गार्जियन की बात है, तो गार्जियन जो भी हैं हम उनसे यही कहना चाहते हैं, अपने बच्चे पर विश्वास रखें, पहली बात बच्चे पर विश्वास रखें, और बच्चों को भी चाहिए अपने गार्जियन पर, अपने गुरुओं पर विश्वास रखें, हर जगह से बातें सुन के नेगेटिव ना बने, पॉजिटिव रहें सदैव, और जो क्लास में बताया जाता है, जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी के स्पेशलिस्ट हैं, वही कर रहे हैं 20 सालों से, वही पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उन पर विश्वास रखें। जनरली बच्चों विश्वास नहीं होता, पढ़ाया कुछ ज़्यादा जाके घर पर यूट्यूब खोल के दूसरा उसी टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट पर दूसरे से पढ़ने लगते हैं, तो विश्वास उन पर रहना चाहिए जहाँ पढ़ रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत लोग दूसरे जगह कोचिंग पढ़ते होंगे, लेकिन भाई मोशन है तो मोशन पर हम लोग विश्वास किए पहले से, और विश्वास है ही हमारी बच्ची, हमने यहाँ डाला, बहुत लोग पूछे रास्ते में कि भाई कहाँ डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, और मैंने मोशन में क्यों डाल रहे हैं, तो हम लोग भाई विश्वास था तभी हम डाले, हाँ बस यही करना है। थैंक यू सो मच सर, इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।